नमस्कार, डाइट योगा और आयुर्वेदा चैनल में मैं डॉक्टर धारा आपका स्वागत करती हूँ। लहसुन के स्वास्थ्य लाभ, चमड़ी और बालों के लिए, हड्डियों के लिए, श्वसन तंत्र की बीमारियों के लिए, बुखार, कान नाक गले के लिए, पाचन तंत्र और स्वर बवासीर के लिए, हृदय की बीमारी के लिए, डायबिटीज, कोलेस्ट्रोल, कैंसर, मोटापा और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि लहसुन किसे नहीं खाना चाहिए, लहसुन खाने की कितनी होनी चाहिए, लहसुन खाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आयुर्वेद के अनुसार कौन कौन सी बीमारी में किस प्रकार लहसुन का उपयोग करना चाहिए, कोई भी जड़ी बूटी मर्यादित मात्रा में लेनी चाहिए, लहसुन भी उसमें से अपवाद नहीं है। ज्यादा मात्रा में लहसुन खाने से पेट में जलन हो सकती है। रोज 1 से 2 लहसुन की लौंग कच्ची खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जिनको लहसुन की स्मेल पसंद ना हो वह लहसुन की 600 से 900 मिलीग्राम की कैप्सूल रोज ले सकते हैं, या फिर लहसुन का 3 से 9 ग्राम रोज ले सकते हैं। लहसुन बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए या फिर स्तनपान करवाने वाली औरतों के लिए बिल्कुल सेफ है। गर्मियों में लहसुन कम मात्रा में खाना चाहिए, खास करके पित्त प्रकृति वाले लोगों को। लहसुन खाने के तुरंत बाद धूप में जाना, एक्सरसाइज करना, गुस्सा करना, पानी पीना, दूध के साथ गुड़ का सेवन मत कीजिए। जिनको माहवारी ज्यादा मात्रा में आती है उनको पीरियड आने के 5 दिन पहले से ही लहसुन खाना कम कर देना चाहिए। लहसुन की गर्म प्रकृति के कारण उसे दूध में उबालकर दूध के साथ ही लिया जाता है। खास करके पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको लिली परिवार के पौधे जैसे कि प्याज, ली, चायस, जलकुंभी और ट्रूलिप से एलर्जी है तो लहसुन मत खाइए। जिन लोगों को लहसुन खाने से एलर्जी है उनको लहसुन चमड़ी पर लगाने से या सूंघने से भी एलर्जी हो सकती है। लहसुन खून को पतला करता है, इसलिए कोई भी सर्जरी या डेंटल प्रोसीजर, गर्भवती महिला या ज्यादा मात्रा में रक्तस्राव हो रहा है तो ज्यादा मात्रा में लहसुन नहीं खाना चाहिए। अगर आप ब्लड थिनर, खून को पतला करने वाली दवाई जैसे कि वारफेरिन, एस्पिरिन या फिर नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग जैसे कि ब्रूफेन, लोप्रोक्सिन ले रहे हैं तो ज्यादा मात्रा में लहसुन खाने से पहले डॉक्टर का संपर्क जरूर करना चाहिए। लहसुन का इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए होता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में लहसुन खाने से पहले डॉक्टर का संपर्क जरूर कीजिए। लहसुन एंटीकोएगुलेंट के अलावा अन्य दवाओं पर भी इफेक्ट करता है। लहसुन जन्म नियंत्रण की गोलियां, साइक्लोस्पिरिन, एड्स जैसी एंटीवायरल दवाओं के साथ भी ज्यादा मात्रा में लहसुन खाने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिए। फीडिंग करवाने वाली महिलाएं अगर ज्यादा मात्रा में लहसुन खाती है तो दूध का स्वाद बदल जाता है, जिसके कारण बच्चा दूध नहीं पीता, तो लहसुन खाना बंद कर दीजिए। अगर ज्यादा मात्रा में लहसुन खाने से पेट में जलन, पेट में दर्द, पेट का फूलना, दस्त या कब्जियत हो रही है तो लहसुन मत खाइए। जब लहसुन की स्मेल आपकी सांस, पसीना या त्वचा से आना शुरू हो जाए तो लहसुन खाना बंद कर दीजिए। लहसुन का इस्तेमाल डायबिटीज, हृदय की बीमारी और वायरल बीमारियों के लिए होता है। अगर आप लहसुन ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं जिसके कारण इन दवाइयों के अवशोषण पर भी इफेक्ट होता है, इसके लिए डॉक्टर का संपर्क करना अति आवश्यक है। आयुर्वेद के अनुसार दस्त, अपच, अन्य पेट और आंत की बीमारियों में लहसुन आदि वटिका इस्तेमाल कीजिए। सूजन, उल्टी, मतली, खांसी इत्यादि के आयुर्वेदिक उपचार में रसोन आदि कसाई का उपयोग कीजिए। लहसुन आदि द्रुत का प्रयोग पेट की बीमारी या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में किया जाता है। बुखार, उल्टी, पेट का दर्द जैसी बीमारियों के आयुर्वेदिक उपचार में वेट्टुमरम गुट्टिका का प्रयोग होता है। उसके अलावा वचा लहसुन आदि तेल, हिंगू त्रिगुणा तेल, विष तिंडुक तेल, लहसुन आदि वटी, कोटम चुक्यादि तेल, लहसुन आदि द्रुत और व्रण रक्षा तेल का भी आयुर्वेद में अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल होता है। लहसुन की नीचे की पत्तियां जब पीली हो जाती है तो सूखने के लक्षण दिखाई देने पर लहसुन की कटाई होती है, जिसे बाजार में बेचने से पहले कुछ दिनों तक छाया में सुखाया जाता है। आपको मार्केट में लहसुन का पूरा बल्ब, सूखी लौंग, लहसुन का पाउडर या पेस्ट के रूप में मिलेगा। लहसुन के पूरे बल्ब को कमरे में एक ठंडे अंधेरे वातावरण में जहाँ पर नमी ना हो उधर कुछ हफ्तों तक अच्छी स्थिति में रखा जा सकता है। लहसुन की पेस्ट को फ्रीज में ही स्टोर कीजिए। लहसुन खाने के सही तरीके के बारे में बात करें तो जो लोग लहसुन की स्मेल और स्वाद को सहन कर सकते हैं उन लोगों को सुबह खाली पेट 1 से 2 लहसुन की लौंग का सेवन करना चाहिए। लहसुन चबाने से एलिसिन निकलता है और जो शरीर में अवशोषित होता है। पित्त प्रकृति वाले लोग लहसुन को घी में भूनकर या दूध के साथ ले सकते हैं। जब हम खाना बनाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल करते हैं और लहसुन को कच्चा इस्तेमाल करते हैं उन दोनों के असर में बहुत फर्क होता है, क्योंकि पेट में जाने के बाद लहसुन में मौजूद एलिसिन पेट के अंतस्त्राव की
अम्लीय प्रकृति के कारण निष्क्रिय हो जाता है। कच्चे लहसुन को काटकर आप सूप में भी डाल सकते हैं। लहसुन के एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी पैरासाइटिक गुणों के कारण वो बहुत सारे तरीकों से बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन के बारे में और जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।